हेलो गाइज, वेलकम टू एम टी राइडर प्रशून यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों देखिए, आज मैं पूरा गियर्ड अप हूं और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आप यहाँ एम टी 15 में कोई हल्का सा स्टॉपी वाला स्टैंड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात, मैं प्रेफर नहीं करता हूं कि आप कोई भी स्टैंड करें, और इस वीडियो में मैं कोई स्टैंड की टेक्निक नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर वो जो सिस्टम लगा हुआ है बाइक में, अगर वो बंद नहीं करेंगे तो उसके बिना ये स्टॉपी का स्टैंड नहीं कर सकते हैं। और किसी अन्य वीडियो में मैं आप सभी को स्टॉपी मारनी कैसे है वो भी पूरा प्रॉपर्ली बता दूंगा। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल स्टैंड वाला तो हूं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा थोड़ा बहुत कर लेता हूं बस। तो दोस्तों सबसे मेन बात स्टॉपी के लिए क्या होता है, आपकी फ्रंट ब्रेक। और फ्रंट ब्रेक इसमें जब आप लगाएंगे, स्टॉपी का मतलब है जब व्हील आपका लॉक होगा, व्हील बिल्कुल रुक जाएगा रोड पे, तभी पीछे से बाइक आपकी उठेगी। और दोस्तों इन बाइक्स में सभी जो अब नई आ रही हैं, सब में ABS जो है वो कंपनी दे रही है। अच्छी बाइक्स जो हैं सब में अभी तक ABS है, हालांकि कुछ बाइक हैं उनमें अभी ABS नहीं है, कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी ने दी हुई है। तो दोस्तों यहां पे क्या है, इसमें फ्रंट वाले व्हील में हमारा ABS कंपनी ने प्रोवाइड किया है, रियर व्हील में ABS नहीं है। और अगर ABS के साथ आप स्टॉपी करेंगे तो कभी भी आप स्टॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ABS जो है वो अपने जो आपका व्हील होता है उसको रोकने नहीं देता है। यानी ऐसा नहीं है कि व्हील लॉक हो जाए बिल्कुल और बाइक स्किड होके गिर जाए आपकी, तो वो नहीं करने देता। ABS जो है अपने आप व्हील को घुमाता रहता है, ब्रेक जितनी व्हील को देनी है उतनी ही देता है पावर ब्रेक शूज को, उसके एक्स्ट्रा में पावर नहीं देता है। अगर दोस्तों आप ABS के साथ करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप सभी को कि अपनी बाइक में ABS कैसे ऑफ कर सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो खर्चे के, और उसमें ABS ऑफ करने के बाद में MT 15 में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। साथ में दोस्तों ABS से ही जो है आपका मीटर जो है वो भी बंद हो जाएगा, अगर मीटर रीडिंग बहुत लोग छुपाना चाहते हैं तो। अगर आपका ABS बंद होगा तो आपका जो मीटर चलता है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो ABS का सेंसर इसमें दिया हुआ है बाइक में उसी से हमारा मीटर कनेक्ट है, जो ओडो और ट्रिप वगैरह सब आपकी स्पीड वगैरह बताता है। तो दोस्तों इसको ऑफ़ कैसे करते हैं, तो आपको चाहिए बाइक की की, और जो सीट इसकी आप सभी को ओपन करनी होगी। तो सीट ओपन करने के लिए यहाँ पे नीचे सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे सिस्टम दिया, इसको लगाना है की को अपनी कुछ इस तरीके से, और इसको घुमा देना है, फिर अपनी सीट को जो है धीरे से इस तरीके से उठा लेना है, और ये देखिए सीट हमारी बिल्कुल बाहर आ चुकी। तो ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे काफ़ी सारे ये बॉक्स से लगे हुए हैं, तो ये कुछ रिलेज लगी हुई हैं, और यहाँ पे हमारा ये जो एक इस शेप में जो बॉक्स दिया हल्का सा एल शेप में है, ये हमारा जो है फ्यूज बॉक्स है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्यूज आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 6 फ्यूज़ हैं ये आपके वर्किंग फ्यूज़ हैं, साथ में ये स्पेयर फ्यूज़ मैंने यहाँ पे रखे हुए, हालांकि कंपनी से भी ये आते हैं, देखिए 2 लग के आते हैं इसमें, एक मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है और एक और मैं रख के चलता हूँ साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ये फ्यूज़ हैं उनका सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा फ्यूज़ कहाँ पे, ज़रा एक बार इधर से दिखा दो ये, तो ये देख लिए ये स्पेयर फ्यूज़ हैं, सॉरी 3 ही आते हैं इसमें, 3 ही आते हैं लगे हुए, मैंने तो एक यहाँ पे रखा था। तो अभी क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्यूज़, तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा लगा हुआ है पूरा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पेयर वो हमारा ये वाला है, उसके बाद में ABS मोटर का फ्यूज़ जो है ये 10 एम्पियर का जो लगा हुआ है ये ABS मोटर का है, ABS SOL का है जो वो 7.5 एम्पियर का है, मेन जो है ये यहाँ पे 15 एम्पियर का लगा है, हालांकि मेरा फ्यूज उड़ गया था तो मैंने ये टेम्परेरी बाहर से लेके लगा दिया और एक यहाँ पे रख भी लिया है। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल का ये जो 2 एम्पियर का है वो है, और हेड का जो है वो यहाँ पे 7.5 एम्पियर का लगा हुआ। तो हमें इसमें से निकालना कौन सा है ये भी मैं बता देता हूँ, नीचे से आप देखेंगे ये जो स्पेयर है उसके बाद में ABS वाला है, ABS मोटर का, उसके बाद में ABS का जो है ये ABS SOL 7.5 एम्पियर वाला, इधर से देखेंगे तो 7.5 एम्पियर वाला आपको अपना ये फ्यूज इस तरीके से कुछ निकाल देना है। और दोस्तों दूसरी बात, बहुत लोग कहेंगे फ्यूज़ निकालने के बाद में हमारी इंजन चेक लाइट आ जाएगी, इतनी जल्दी इस फ्यूज़ से नहीं आती है, और अगर कोई बैटरी में दूसरी छेड़छाड़ करते हैं, बैटरी निकाल के धक्के से स्टार्ट करते हैं तब जो है हमारी इंजन चेक लाइट आ जाती है। इस फ्यूज़ को निकालने के बाद में अभी मैं दिखाता हूँ कि मीटर में क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि आप पहले जब अपनी बाइक को लेके चलते हैं और जैसे ही वो रनिंग कंडीशन में आती है तो ये ABS की जो लाइट है ये चली जाती है,
और इंजन चेक लाइट जो है हमारे में पहले से आ रही है, ये कोई बड़ा इशू नहीं, इस पर भी एक जल्द ही वीडियो में बना के डालने वाला हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। यहाँ पे इंजन ABS वाली जो लाइट है परमानेंटली जलती रहेगी चाहे जितनी दूर आप लेके जाएँ, और जो ABS का यूज़ होता है वो नहीं होगा यहाँ पे। अब ब्रेक मारेंगे तो व्हील आपका तुरंत लॉक हो जाएगा। साथ में ये जो हमारा ओडोमीटर है ये भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ये ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद में हमारा ये जो माइलेज वगैरह सब कैलकुलेशन होके आता है वो शायद चलता रहता है, या वो भी ज़ीरो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों यही था, और इसके बाद ही आप जो है वीडियो आपके सभी स्क्रीन पे आने वाले हैं वो देखिएगा, उस तरीके के कारनामे कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, आशा करेंगे छोटा शॉर्ट और सिंपल वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर दोस्तों अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे रहा इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उससे पहले मैं अपडेट देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो आप तक आसानी से पहुँच सके। सो फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, आशा करेंगे वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, पास ही में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके के वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।